भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, नागपुर नाके के पास हुआ बड़ा हादसा। नागपुर नाके के पास एक बड़ी घटना घटी जिसमें 70 वर्षीय बुजुर्ग और 5 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गायत्री विद्या मंदिर स्कूल से नागपुर नाके की ओर दोपहिया क्रमांक MH36T3753 से जाते समय पीछे से आ रहे ट्रक क्रमांक MH150701 ने दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोपहिया सवार बुजुर्ग कौडूजी बडवाईक और 5 वर्षीय बालिका वाणी महेंद्र बडवाईक की नीचे गिरने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस हादसे से भंडारा शहर में सनसनी मच गई और परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। रोजाना बड़े पैमाने पर ट्रैफिक के कारण एक न एक नई घटना घटती रहती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन, ऐसा सवाल नागरिकों द्वारा उपस्थित किया जा रहा है। भंडारा शहर में आज से श्रीराम नवमी तक प्रसिद्ध गायकों की मौजूदगी में जय श्रीराम का नारा गूंजेगा। 25 से 29 मार्च तक माधव नगर रेलवे ग्राउंड खात रोड पर भव्य दिव्य श्रीराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्रीराम शोभा यात्रा समिति द्वारा प्रतिवर्ष शोभा यात्रा एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आमदार नरेंद्र भुंडेकर ने श्रीराम जन्मोत्सव को अविस्मरणीय बनाने का बीड़ा उठाया है और कार्यक्रम की अध्यक्षता भुंडेकर करेंगे। इसी प्रकार 25 से लेकर 29 मार्च तक होने वाले विविध कार्यक्रम की रूपरेखा कार्यक्रम के आयोजक जैकी रावलानी ने बताई। आमदार नरेंद्र भोंडेकर एवं जैकी रावलानी ने भंडारा की समस्त जनता से आह्वान किया है कि श्रीराम के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा उपस्थित रहे। इस बार हमारा पिछले साल से बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन है। श्री राम जी के जन्मोत्सव पर हमने ये कार्यक्रम आयोजन किया 5 दिन का। इसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग आर्टिस्ट आने वाले हैं और इसमें भंडारा जिले के सभी राम भक्तों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित कर किया गया है और सभी, मैं आपके तरफ से आह्वान करूंगा कि सभी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और अपने सबके मन में श्री राम प्रभु जी का जो ऊर्जा है वो यहाँ से लेके जाए। श्री राम जन्मोत्सव 2023 ये 25 तारीख से 29 तक तारीख तक 5 दिन का प्रोग्राम है। इसमें 25 तारीख को हरर शंभू फेम प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गायिका अभिलिप्सा पांडा मुख्य आकर्षण है, जो भक्ति गीत उनके होने वाले हैं। उसके अलावा हरियाणा रोहतक की एक टीम है जिसमें शिव विवाह भस्म आरती का भी प्रोग्राम होने वाला है, वो 25 तारीख को होने वाला है। और आज के 25 तारीख के मुख्य अतिथि उद्घाटक अध्यक्ष हमारे भंडारा के लाडले आमदार नरेंद्र जी भोंडेकर साहब है। उद्घाटक कलेक्टर साहब भंडारा कुंभेजकर सर है। मुख्य अतिथि के रूप में SP मतानी सर है, जिला परिषद CO है और नगर पालिका CO है। ये आज के 25 तारीख के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि है। 26 तारीख को कृष्ण लीला पुष्प होली जो होती है वृंदावन की टीम, 17 कलाकारों की टीम आने वाली है 26 तारीख को, जिसमें अध्यक्ष के रूप में हमारे आमदार साहब भी है भंडारा एवं उद्घाटक के रूप में माजी मंत्री परिणय जी फुके है एवं प्रमुख अतिथि के रूप में हमारे भंडारा के खासदार सुनील मेंडे सर, शिवराम जी गिरेपुंजे एवं विनोद जी बांते, इस प्रकार से मुख्य अतिथि है 26 तारीख के। 27 तारीख का इंडियन आइडल फ्रेम वैशाली रायकवार एवं प्रसिद्ध भजन गायिका इशरत जहां, ये 27 तारीख को आ रहे हैं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष आमदार साहब है, उद्घाटक चरणजी वाघमारे माजी आमदार है, मुख्य अतिथि के रूप में बंडू जी सावर बांधे, विलास जी शुंगार पवार, धनंजय जी दलाल, सुनील जी फुंडे, ये सारे उस दिन के मुख्य अतिथि। 28 तारीख को प्रसिद्ध शहनाज अख्तर वे आ रहे हैं और उस दिन के भी अध्यक्ष हमारे आमदार साहब ही है, उद्घाटक हमारे अनिल जी गायधने, जिला प्रमुख शिवसेना, माजी आमदार अनिल जी बावनकर मुख्य अतिथि, आशीष जी माटे पवनी मुख्य अतिथि, बंडू जी हटवार एवं सुरेश जी धुर्वे, ये सब हमारे उस दिन के मुख्य अतिथि है। 29 तारीख को श्री राम जी के जीवन पर
जो रामायण जो होता है, रामलीला होती है, ऐसा एक भव्य महानाट्य रामलीला का रखा हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के राजू जी वालिया, उद्घाटक के रूप में मुख्य अतिथि संजय जी एकापुरे, सुजीत जी कुंभारकर एवं संघ के और दो महानुभाव है एवं अध्यक्ष सभी कार्यक्रम में हमारे भंडारा के लाडले आमदार नरेंद्र जी भोंडेकर है। और मैं एक बात विशिष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि आज भंडारा अगर इतना राममय होने जा रहा है और इतना भव्य प्रोग्राम हो रहा है, ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे आमदार साहब है, जिनके मात्र पिछले साल भी इन्होंने एक प्रोग्राम भव्य हमने आयोजित किया था इनके मार्फत से, और इस साल हमने बात की और आमदार साहब ने तुरंत स्वखुशी से, बिल्कुल खुशी से इस प्रोग्राम को भव्य रूप दिया और हमारे साथ ताकत से खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4000 लोगों की सिटिंग की अरेंजमेंट है एवं यहाँ तकरीबन 25-30-35 हज़ार लोग आ सकते हैं, इतनी इस हिसाब से हमने इस ग्राउंड की तैयारी की हुई है। महिलाओं के बैठने की व्यवस्था हमने अलग की हुई है, सारी सुरक्षा के इंतजाम हमने यहाँ किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। हमारी पूरे भंडारा वासियों से सबसे निवेदन है, इस भव्य भंडारा जिले में होने वाले, पहली बार हो रहे इस बड़े आयोजन में, राममय माहौल में सब लोग आए, सम्मिलित हो। नमस्कार, मैं नौशिया शमशेर खान आपका BS क्राइम मीडिया न्यूज में स्वागत करती हूँ। हम एक ऐसी घटना आपको बता रहे हैं जिस घटना ने भंडारा वासियों का दिल दहला दिया। शहर के ओम हॉस्पिटल का 18 फरवरी की घटना, जिसमें हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते नवजात शिशु की मौत हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टर ओम प्रकाश गिरेपुंजे पर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों की डॉक्टर से बातचीत होने पर ऐसा लगता है कि डॉक्टर को किसी का डर नहीं। आइए सुनते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश गिरेपुंजे एवं परिजनों की हुई बातचीत। जो डॉक्टर गिरेपुंजे सोनोग्राफी रिपोर्ट देने से मना कर रहे हैं और जो करना है कर लो ये बात कर रहे हैं। त्या दिवशी आपण चेकअप केलं होतं 18 तारखेला 18 तारखेला चेकअप जो केलं होतं, नाही नाही आधी सोनोग्राफी केली होती ना इथे, तर त्याची रिपोर्ट नाही मिळणार ना, आणि मग त्याचं म्हणजे काय प्रूफ राहील की पाणी कमी होतं अजून ते जे तुम्हाला काय करायचं आहे ते तुम्ही सगळं करा, तुम्हाला जे काही करायचं असेल ते करू शकता। रिपोर्ट आता मी तुम्हाला कुठलंच सपोर्ट करणार नाही, मी चांगल्या तऱ्हेने सगळे तुमच्यासाठी गोष्टी केल्या, तुमच्या याच्यासाठी प्रयत्न केले, पण तुम्ही त्या गोष्टीसाठी बरोबर केली नाही। बाळ गेला हे वाईट गोष्ट आहे, त्याच्यासाठी जाणून बुजून असं खूप नाही केलं आम्ही की म्हणजे की ते वाचलं नाही पाहिजे, खूप प्रयत्न केले, पण त्याला काही प्रॉब्लेम इंटरनल प्रॉब्लेम होते त्याच्यातून तो हे नाही होऊ शकला तर काय करू शकतो आपण। हा तीच तर गोष्ट म्हणतो, ती गोष्ट तुम्हाला समजू शकत नाही कारण त्याला PPHN होता, PPHN हा सोनोग्राफी दिसत नाही। PPHN ही हार्टची अशी प्रॉब्लेम असते ज्याच्यामध्ये राईट साईडचा जो हार्ट असते बाळाचा, त्याच्यामधून जो अशुद्ध रक्त लंग्समध्ये जातो तो अशुद्ध रक्त कितीही ऑक्सिजन पुश केला तरी बाळाच्या रक्तात मिक्स होत नाही। आणि मग डिस्चार्ज पेपरवर लेबर पेन का बरं सांगितले, मग तुम्ही कुठल्याही पेशंटला मुहूर्त सीजर करायचं असलं तर कारण काय दाखवणार, मला मुहूर्त आहे म्हणून मला सीजर करायचं असं म्हणतो त्याला काहीच फरक पडत नाही आणि मी त्याच्यावर बोलणार पण नाही कोणाला काहीच की हा कारण आहे म्हणून सीजर केलं किंवा हे, माझा त्याच्याशी काहीच संबंध नाही कारण पूर्ण फुल टर्म बेबी आहे, त्याच्यावर जो आहे ना तो फॉर्मॅट हा कंटिन्यू सेम फॉर्मॅट असतो, तू कोणाचाही डिस्चार्ज कार्ड पाहशील सगळ्यांनी त्याच्यावर सेम प्रत्येक पेशंटच्या डिस्चार्ज कार्डवर सेम, कारण सांग कुठल्याही गोष्टीमध्ये जायचं असलं तर आपल्याला काही गोष्टी दाखवाव्या लागतात, त्याच्यात लेबर पेन्स म्हटल्यामुळे तुला कोणताच त्रास होणार नाही, तुला कोर्टात टाकायचं असेल तर टाकू शकता, तुम्हाला जाऊ शकता, मी त्याच्याबद्दल काहीच म्हणतो, पण त्या गोष्टीमुळे हे होऊ शकत नाही। तुम्ही ही गोष्ट समजूनच घेऊन आलेली की एवढी प्रयत्न ते म्हणताय सर, एक मिनिट ते म्हणताय की त्या दिवशी जसं आपला तुम्ही सांगितलं ना पाणी कमी आहे, हो हे सोनोग्राफीच केलं, ते सोनोग्राफी आपण चेक केलं अजून ते विचारायचं आहे, म्हणजे रिपोर्ट सगळे असल्या पाहिजे ना, जसं आम्हाला दुसऱ्या डॉक्टरांची की तुम्ही आपला बरोबर ठेवा, तुम्हाला नंतर मग नेक्स्ट टाईम आपला जसं प्लॅन करायचं असेल तर त्याच्या माझ्या जसं आता हा डिस्चार्ज कार्ड आहे तोही दिलेला, एक मिनटं जसं आता तुम्ही पाणी कसं कमी होतं म्हणजे रांजेवर साहेब काय पाणी आहे ते
हो तो दाखवा ना मला फाईल दाखवा ना मला मी त्याला क्वेरी केलेलं आहे क्लिनिकल फाइंडिंग आहे ना ती माझी चेक करायची फाइंडिंग आहे ती होती म्हणून असं जरुरी नाही ना मी त्याला कन्फर्म नाही केलं ना मी तुला सांग त्या कुठल्याच गोष्टीवरून काहीच फरक पडत नाही म्हणजे ज्या ऑपरेशन रिलेटेड ऑपरेशन आपण कोणत्याही मुहूर्ताचं समजा ऑपरेशन करतो म्हणजे व आपल्याला मुहूर्त आहे किंवा आपल्याला ऑपरेशन करायचं आहे तर त्याला काही कारण दाखवा सिम्पली आणि काही हेच नाही राहणार तर आपण समोर कसं जाणार म्हणजे आणि म्हटलं मला आता दोनच महिने झाले मला बाळ काढायचं असं होईल का नाही होणार ना आणि मलाही दाखवता अजून काही गोष्टी ते मी तुमच्या डिस्चार्ज कार्डवर सिम्पल लिहिलेलं आहे काहीच लिहिलेलं नाही दिलं प्रायमरी विथ सिम बाळाचं वजन म्हणजे वजन जास्ती असल्यामुळे काहीच नाही आणि त्याच्यावर काही फरक पडत नाही तुम्हाला कुठल्याच कोर्टात ती गोष्ट तुम्ही पण लांजेवर सर जे बोलले अरे लांजेवर सरांना मी सरळ फोन करतो तुझ्या समोर विचार म्हणजे तो त्याचा काही असर होतो तुला जर वाटत असेल तर सर नाही त्यांना काय म्हटलं की पूर्ण रिपोर्ट ठेवत आता जसं तुम्हाला कळायला आता तुझं डिलिव्हरी नेक्स्ट टाइम कुठे करायचे त्याच्यावर रिपोर्ट बरोबर ठेव म्हणे नाही मी तुला तुझे रिपोर्टही दिले सगळे आता जसं म्हटलं ना आता जशी मी बोलली की आता मी तुला सांगणार की पाणी कमी जिल्हा डॉट वरते ते का डॉट आलते तर काय होतं काय म्हणतात कॉर्डवर स्पॉट्स आले होते ना तुम्ही त्या दिवशी व्हाईट स्पॉट्स होते त्यामुळे कॉर्डवर तुम्ही जी किमती आता फक्त आता जसं तुम्ही सांगितलं आम्हाला आम्ही डॉक्टर येण्याला बोललं की सरांनी बोलले की थोडं पाणी कमी झालं 5.6 त्या दिवशी बोललो त्या सगळ्या गोष्टीसाठी आपल्याला समुद्राची त्याची रिपोर्ट करावा लागतो असं नाही म्हणजे त्या दिवशी तुम्ही मला आणि मी तुमच्या याच्यात लिहिलं पण नाही मी क्लिनिकल फायंडिंग्समध्ये तुम्हाला त्याचं काहीच फरक तुम्ही बोलले म्हणून सर म्हणजे तो जर म्हणत असाल तसा काही तर त्याच्यामुळे काही इश्यू नाही त्याच्या असं नाही आता जसं त्या दिवशी तुम्ही म्हटलं ना ते काळे डॉट्स म्हणून तुम्ही जे म्हणता त्याच्यानंतर पाणी असतं ऐका ना त्याच्यानंतर मी डॉक्टर प्रमोदला फोन केले सर ऑपरेट करायचं ते सर करून घ्या त्याच्यानुसार झाला ना तो ज्या दिवशी बोलणार कॉम्युनिकेशन जो झाला त्यानुसार तो सीजन मी करो किंवा दुसरा कोणीच करो किंवा तुम्ही 3 दिवसांनी केल्या असत्या 4 दिवसानंतरही केल्या असत्या किंवा कधीच झालं असं बाळासोबत ते हॅपन्स तो PPHN जो प्रॉब्लेम असतो जो होता इकोमध्ये जो लिहिलेला आणि हे त्याच्यामध्ये कितीही ऑक्सिजन बाळाला द्या किंवा कितीही प्रयत्न करा जर सिव्हिअर PPHN बसला असेल बाळ निघत नाही हे ट्रूथ तुम्ही कितीच प्रयत्न करा समजलं पण समोर काय सांगू आता आपले नाही आम्हाला फक्त हे त्या गोष्टी तुमच्यासोबत काय आता जसं तुम्ही त्या दिवशी मी ते सांगा मला बाकीच्या जो वाढायच्या वगैरे काही सर मी त्या दिवशी ते सांगते आता आपण जे असतो पेशंट येते आपण चेक करतो पाहतो सगळ्यांना सोनोग्राफीचे रिपोर्ट काय घेतात आपण सोनोग्राफी कंडिशन जेव्हा करायची असते तेव्हाच रिपोर्ट चेक केला जातो तुमचाच डिस्चार्ज कार्ड हा फॉर्मॅट ठरलेला आहे आमचा सगळ्याच्या ह्याच्यावर ठरलेले फॉर्मॅट्स असतात समजलं ते याच्याने काही फरक पडत नाही तुला असं वाटत असेल तर या डिस्चार्ज कार्डच्या याच्याशी काही म्हणजे हे नाही त्याचा सीन काही संबंध येत नाही ते नाही म्हणतात मी त्या दिवशी तो जो तुम्ही म्हटला ना आता हे म्हणते की माझ्या पोटात पाणी कमी होतं म्हणतो मग त्याच्यानंतर डॉट होते म्हणतात तो सोनोग्राफी मग ते पण रिपोर्ट आपल्याकडे ठेवणं आवश्यक आहे तुमच्या मनाची हे सांगतो या कुठल्याच बाळाच्या अशा म्हणजे सुरुवातीच्या कुठल्याच गोष्टीत असं बिलकुल हे नव्हतं की बाळाला काही त्रास असं बिलकुल हे नव्हतं समजलं जी कंडिशन होती ना ती तुम्हाला समजू शकत नाही तुम्ही वाचा ना PPHN वाचायचं असेल तर वाचा सर PPHN नाही म्हणता मी तुम्ही अजून त्या सामोरच्या गोष्टीवर चालले अरे तू पण आता बाळावर नाही चालले मी स्टार्टिंगला म्हणजे प्रोसेस काय झाली मी फक्त सोनोग्राफी करतो फक्त ते बाळाबद्दल नाही म्हणता गेलाय तो वापस नाही त्याबद्दल सोडून टाका तुला म्हणायचं आहे की लेबर लेबर पेन नाही म्हणताय मी लेबर पेन नाही म्हणताय
जसं मी प्रमोद सरांना म्हणजे डिस्चार्ज कार्डवर पाणी कमी आहे म्हणजे पण नाही आहे आता ऐका ना जसं तुम्ही आता इला सांगितलं होतं इला दाखवलं ना तिथे सोनोग्राफी करताना ऐका ना माझी आणि माझी गोष्ट समजून घ्या पहिले इला तुम्ही लेटवलं तिथे सोनोग्राफी केली तिथे दाखव काय केलं स्कॅन केलं ते स्कॅन केलं तुम्ही स्कॅन केलं तर त्याच्यात काय तुम्ही सांगितलं की पाणी काय सांगितलं बोल ना आता पाणी कमी आहे अजून अम्बिलिकल कॉर्ड टाईट झालं आहे सरळ झालं आहे आणि त्याच्यावर व्हाईट स्पॉट येत आहे अम्बिलिकल कॉर्डवर व्हाईट स्पॉट नसतं ठीक आहे कॅल्सिफिकेशन तर जे अम्बिका बाळाच्या गळ्यामध्ये नाळ टाईट होती ते सीझन नंतरही नाळ टाईट होती काढल्या गेली ना ती नंतर त्याच्यानंतरच पाळायला दिल्या गेल्या की ते फ्रॅगमेंट फ्रूटच आहे अजून तो पाणी अजून काय डॉट का अजून आता तेच ते म्हणजे ते तुम्ही सांगितलं आणि त्याच्यानुसारच म्हणजे पाणी कमी होतं म्हणून 3 दिवसाच्या आतमध्ये सर्जरी करायची सांगितलं प्रत्येक जण काय करतात हा तुला हे वजन कमी वाटते तुला हे वाटते ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण पूर्ण डिटेल्स स्कॅन करू तेव्हाच कन्फर्म होतील ना त्याचा मग रिपोर्ट घ्यावा लागतो बाकीच्या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात अतिक्रमण हटाने गए वन कर्मियों पर हमला वाहन चलाने का किया प्रयास मामला ग्राम गोंडीटोला सुकली का सिहोरा पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज शाशे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे वन विभाग के दल पर शुक्रवार को सुबह 11 बजे के दौरान 20 से 25 ग्रामीणों ने मिलकर लाठी डंडों के साथ हमला किया यही नहीं ग्रामीणों ने वन अधिकारी व कर्मचारियों को धक्का मुक्की कर जान से मारने की धमकी देते हुए शाशे के वाहन पर पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश की इस मामले में तुमसर वन विभाग के अधिकारी सीजी राहंगडाले की शिकायत पर सिहोरा पुलिस ने कुल 12 लोगों के खिलाफ भादवी की धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार बपेरा वन क्षेत्र के तहत गोंडीटोला के मौजा गोंडीटोला की शासकीय जमीन पर गट क्रमांक 23 व 36/2 में कुछ आदिवासी लोगों ने अतिक्रमण किया था इसके पहले वन विभाग ने 4 वन मामले दर्ज कर अतिक्रमण हटाने की कोशिश की लेकिन जब भी वन कर्मचारी अतिक्रमण हटाने जाते तब स्थानिक नागरिक एट्रासिटी कानून के फंसाने की धमकी देकर गाली गलौज कर वन कर्मचारियों को वापस भेजते थे शुक्रवार सुबह 11 बजे के दौरान क्षेत्र सहायक यूरे ढोके व उनकी टीम गोंडीटोला पहुंची तो कुछ नागरिक शाशी की जमीन पर ट्रैक्टर चलाते हुए खेती करते नजर आए जब ढोके ने उन्हें रोका तो नागरिक गाली गलौज करने लगे तब क्षेत्र सहायक ढोके ने इसकी जानकारी तुमसर के वन परिक्षेत्र अधिकारी सीजी राहंगडाले को दी राहंगडाले लगभग 15 से 20 कर्मचारियों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने को कहा पर स्थानीय आदिवासी नागरिकों ने वन कर्मचारियों को अश्लील गाली गलौज कर धक्का मुक्की करना शुरू किया यही नहीं रुके लगभग 25 से 30 ग्रामीणों ने मिलकर वन विभाग के वाहन MH36 के 181 पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की वन कर्मचारियों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और सिहोरा पुलिस थाने में पहुंचे इस मामले में सिहोरा पुलिस ने कुल 12 लोगों के खिलाफ भादवी की धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया है 23/3/2023 सोंडा येथील बिटरक्षक डी ए कौकर हे गस्ती करत असताना गोंडीटोला येथे जात असताना शासकीय जागेवर नागट्टी करताना त्यांना ट्रॅक्टर अडून आला त्यांनी भ्रमणध्वनीद्वारे मला फोन करून सांगितलं की या ठिकाणी वन विभागाच्या जागेवर लोक शेतीच्या दृष्टिकोनातून नागट्टी करत आहेत तेव्हा मी 15 ते 20 लोक संपूर्ण आपला स्टाफ घेऊन त्या ठिकाणी गेले असता मला त्या ठिकाणी नागाटी करताना ट्रॅक्टर हाडून आला तेव्हा मी त्यांना ट्रॅक्टर बंद करायच्या सूचना दिल्या त्यांनी 20 ते 25 लोकांनी कोयता लाठ्या आणि कुऱ्हाडीने माझ्यावर हल्ला केला आणि माझ्या शासकीय गाडीवर पेट्रोल टाकून गाडीसोबत पेटवण्याचा प्रयत्न केला
पोलीस आरक्षक चालक पद के लिए लिखित परीक्षा रविवार 26 मार्च को सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक पुलिस मुख्यालय भंडारा मैदान में आयोजित की है। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने सभी उम्मीदवारों को रविवार सुबह लिखित परीक्षा के लिए सुबह 6:30 बजे उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र महा IT विभाग के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। परीक्षा शुरू होने के बाद आने वाले उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, कोई अन्य ब्लूटूथ डिवाइस ले जाने की सख्त मनाही है। शुक्रवार की देर शाम आसमान में चांद के नीचे बिल्कुल नजदीक चमकता हुआ एक तारा दिखाई दिया, जो बिल्कुल ही अद्भुत था। इस नजारे को देख लोग अचंभे में पड़ गए। लोगों ने बताया कि ऐसा नजारा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। कुछ लोगों ने रमजान महीने के पहले जुम्मे की शाम चांद व चमकते तारे को देखकर इसे बेहद ही खास बताया। इसकी चर्चा काफी तेजी से पूरे शहर में फैलते ही सैकड़ों लोग आसमान की तरफ चांद व तारे को देखते नजर आए। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी होती रही। आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ पर चांद के नीचे एक चमकता हुआ तारा नजर आया है। यह अद्भुत नजारा आसमान में काफी देर तक देखने को मिला। इस नजारे की तमाम लोगों ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के साथ लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे। कोई इसे खगोलीय घटना बता रहा है तो कोई धार्मिक नजरिए से देख रहा है। वही चांद तारा एक साथ दिखने को कोई रमजान महीने में अल्लाह का चमत्कार बता रहा है तो कोई नवरात्र पर देवी माँ का चमत्कार। अर्थ चंद्र का चांद के नीचे एक तारा बीचों बीच चमकता हुआ नजर आया है। इस तरह का अद्भुत नजारा देश के कई शहरों में दिखाई दिया है। जब लोग रमजान की शाम का चांद निहारने आसमान को ताकने लगे तो यह अद्भुत नजारा दिखा। हालांकि चांद के बिल्कुल करीब तारे जैसी जो रोशनी दिखाई दे रही है वो वीनस शुक्र ग्रह है। अब यह खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों ने अपने कैमरे में इस अद्भुत नजारे को कैद किया है। वहीं इस खगोलीय घटना को लेकर जा रहा है कि परिक्रमा करता हुआ पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा शुक्रवार शाम को पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र के साथ नजर आ रहा है। चंद्रमा के ठीक नीचे सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र को देख हर कोई दंग रह गया। इस घटना को लेकर जानकारों की माने तो वीनस 18,52,00,000 किलोमीटर दूर था और यह -3.98 मैग्नीट्यूड से चमक रहा था। इसके साथ ही चंद्रमा 3,82,000 किलोमीटर दूर था। डोंगरी बुजुर्ग रेलवे स्टेशन के पास 23 मार्च की सुबह शिव मंदिर के सामने अज्ञात बाइक सवार ने राहगीर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घायल व्यक्ति सुकली निवासी चिमन नथू पिलगर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिमन पिलगर यह डोंगरी बुजुर्ग रेलवे स्टेशन से पैदल पौनार खाड़ी अपनी बहन के गाँव जा रहा था। इस दौरान अज्ञात बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। घायल चिमन को जिला अस्पताल लाया गया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में गोबरवाही के थानेदार नितिन मदनकर ने जांच शुरू की और 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम पौनार खाड़ी निवासी शिव कुमार दसाराम उची बगले उम्र 37 वर्ष ने अपनी दोपहिया क्रमांक MH 150 AH 5516 से चिमन पिलगर को टक्कर मार कर फरार हो गया था। गोबरवाही पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लाखंडू तहसील के ओपारा के खेत में एक जंगली हिरण का शव मिला है। वन विभाग ने संभावना जताई है कि हिरण की मृत्यु लावारिस कुत्तों के हमले से हुई होगी। लाखंडू तहसील के चौरास परिसर में पिछले कुछ दिनों से ग्रीष्मकालीन धान फसल लगाई गई है। पिछले कुछ दिनों में विभिन्न जंगली प्राणी जंगल से भटक कर खेत क्षेत्र में आने लगे है। सुबह के समय ओपारा के कुछ किसान स्थानीय खेत में पहुंचे तो उन्हें प्रशांत राउत के खेत में एक हिरण मृत अवस्था में दिखा। सूचना मिलते ही लाखंडू के वन परिक्षेत्र अधिकारी रूपेश कावित, क्षेत्र सहायक JK दिघोरे, पशु स्वास्थ्य अधिकारी PU सोनवाने, वन रक्षक GD हाते, DS जोड़े, पशु स्वास्थ्य पर्यवेक्षक किशोर चौधरी आदि ने घटनास्थल पहुंचकर हिरण का पोस्टमार्टम किया। आजकल चतुराई की कोई सीमा नहीं। धूर्त और चालाक लोग नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, इसका एक मामला सामने आया है जहां 5 आरोपियों ने फिरियादी को ओरिजिनल नोट के 3 गुना बनाकर देने का भरोसा जीतकर उससे ₹10,000 का चूना लगा दिया। ये घटना 24 मार्च की दोपहर 12:30 बजे के दौरान गोंदिया तहसील के रावनवाड़ी थाना क्षेत्र के कोनी नदी घाट स्थित विठल रुक्मिणी मंदिर परिसर में हुई। आरोपियों ने आपसी साठगांठ कर फिरियादी दीपांशु बिग
उरकुडे उम्र 24 वर्ष निवासी बालाघाट मध्य प्रदेश को विश्वास में लेकर कहा कि हमारे पास ऐसा लिक्विड है जिसमें ओरिजिनल रुपए भिगा कर रखने पर वो रुपया 3 गुना होकर हाथ में आता है। आरोपियों ने फिरियादी से 10,000 रुपए लिए और एक काले रंग के कपड़े में कोरे कागज को एक लिक्विड में भिगो कर ये कपड़े में रुपए है ऐसा बोलकर उसके हाथ में थमा दिए। जब फिरियादी ने काले कपड़े को खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ कागज था। आरोपियों ने रुपए 3 पट करने के एवज में फिरियादी से 10,000 रुपए की धोखाधड़ी की। इस मामले पर रावलवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादवी की धारा 420-34 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। भंडारा जिल्ह्याच्या लाखांदूर तालुक्यातील चपराळ पहाडीवर विविध वन्य प्राण्यांचा वास्तव असून काल दुपारच्या सुमारास पहाडीवर जात असलेल्या काही भाविकांसह तरुणांना भर दिवसा अस्वलाचे दर्शन झाल्याची घटना चपराळ येथील दुर्गा माता मंदिर परिसरात घडली आहे। नागरिकांनी अस्वलाचे दृश्य कॅमेऱ्यात कैद केले। एक अस्वल चपराळ पहाडीवर जाणाऱ्या सिमेंट रस्त्यावर अचानक दिसली। पहिल्यांदा अस्वलाला पाहताच सर्वांची भंभेरी उडाली। दरम्यान तरुणांनी मोठा आवाज करीत अस्वलाला पळवून लावले आहे।